सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे है और यस ए है हमारा बालकनी व्यू। सामने स्विमिंग पूल है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर है, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं डॉल्फिन देखने के लिए और स्नोकलिंग करने के लिए। सो चलो पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर चलते हैं। पर हम लोग पहुंच गए हैं और ए है नुंगवी बीच और नुंगवी बीच से हम लोग जाएंगे बाय बोट नेम्बा आइलैंड। सो चलो चलो हम यहाँ पर बैठेंगे। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ से अभी इस बोट में जा रहे हैं। और दिस साइड सो मैनी बोट्स आर हियर। अभी देखते हैं डॉल्फिन साइड दिख जाए। ये सारी बोट्स आप देख रहे हैं वो डॉल्फिन के लिए वेट कर रही है कि शायद डॉल्फिन दिख जाए। प्रस्तु नीचे
अब आपड़े क्या जाइए छे कया लाइन पर अभी हम लोग जा रहे हैं स्विम विद टर्टल स्विमिंग करने के लिए स्विम विद टर्टल विद टर्टल यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमल ये परिमल है पूरी नहीं है गाइस तो हम लोग वापस आ गए हैं नोंगवी बीच और यस हमने डॉल्फिन देखी स्नोकलिंग भी की बहुत मज़ा आया एंड यस वी हैव सीन लॉट्स ऑफ फिशेस कोरल्स एंड अंडर वाटर लाइफ एंड यस यहाँ की वाटर की ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत फैंटास्टिक है सो यू कैन सी हियर सो मैनी फिश इन जंजीबार सो अभी हम लोग जा रहे हैं बराका नेचुरल एक्वेरियम सो चलो चलते हैं वही बराका नेचुरल एक्वेरियम सो दिस प्लेस इज मस्ट विजिट प्लेस इन जंजीबार अगर आप लोग सोच रहे हैं फ्यूचर में जंजीबार आने का सो प्लीज नोट डाउन दिस प्लेस इन योर डायरी एंड एंजॉय द चांस टू सी फीड एंड स्विम विद दिस ब्यूटीफुल टर्टल एंड यस दिस टर्टल्स कैच बाय फिशरमैन एंड व्हेन दे रीच अ सर्टेन साइज आफ्टर दे रिलीज देम बैक इन टू द ओशन
सो आज रिजॉर्ट में एग्जीबिशन था पेंटिंग्स का एंड यस यहाँ पर परिमल कुछ पेंटिंग्स देख रहा है एंड ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट जो ये भैया है उन्होंने सारी पेंटिंग्स बनाई है एंड चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी पेंटिंग्स। सारी पेंटिंग्स में आपको कौन सी पेंटिंग पसंद आई सो प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स एंड यस चलो अभी मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ नेक्स्ट व्लॉग में एंड इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग सो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।